नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है काल कोठरी का, जिसमें कि उन सबको काल कोठरी की सजा मिलती है जिन्होंने रूल्स तोड़े होते हैं बिग बॉस के घर में, या फिर टास्क परफॉर्म नहीं किया होता है, या जो भी कुछ ऐसा जो बाकी लोगों को लगता है कि ये सही से नहीं हुआ है, उनको मिल जाती है काल कोठरी की सजा। और इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है श्री शांत ने। और श्री शांत के फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि इस हफ्ते श्री शांत नहीं होंगे काल कोठरी की सजा में। तो कौन होंगे इसके बारे में बात करते हैं। पहले कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, बिग बॉस के घर में टास्क होता है और टास्क में परफॉर्मेंस के लिए एक टीम होती है जिसमें होते हैं श्री शांत, दीपिका, रोहित और सोमी, और दूसरी टीम में होते हैं करणवीर वोरा, रोमिल और दीपक ठाकुर। अब सुरभि नहीं है दोनों टीम में, तो हम समझ सकते हैं कि सुरभि होगी संचालक। तो ये टीमें परफॉर्म करती हैं, किस पे करती हैं, क्या करती हैं, वो आप एपिसोड में देखना, क्योंकि मैं बता दूंगी सब कुछ तो आपके लिए कुछ देखने के लिए मजा नहीं रहेगा। मगर एक चीज मैं आपको जरूर बता देती हूँ कि जीतने वाली टीम है श्री शांत और दीपिका की, और काल कोठरी में जाने वाली टीम है उनके नाम है रोमिल और करणवीर और दीपक ठाकुर। तो इस बार ये तीन घर के सदस्य होंगे काल कोठरी में, जिनका नाम है, फिर से बोल देती हूँ, दीपक, रोमिल और केवी भैया। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।